हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा जैसे SI, आबकारी और APS, PCS, अपर सचिव, कनिष्ठ सहायक आदि के लिए महत्वपूर्ण है। कल का मेरा होमवर्क का प्रश्न था, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कल का महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम शुरू करेंगे नया प्रश्न से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी नहीं बनाती है डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। और ये क्या है, ये बनाती हैं, यह है भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है पूछा गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती हैं, और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? वह है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो आपकी क्या करती हैं, ये एक्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी, बहती है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आपको यह नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की पूछी गई है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। तो ये गोदावरी नदी है, हाँ गोदावरी नदी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है कावेरी जल विवाद, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी दो नदियाँ दो भागों में विभाजित करती हैं? तो दो नदियाँ नहीं, दो भागों में विभाजित पूछा गया है। तो नर्मदा नदी करती है, क्या करती है? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, ये उत्तराखंड के टेहरी ज़िले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 260.5 है। ये भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। किसके? भागीरथी भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा नांगल परियोजना है। कौन सी? भांगड़ा नांगल परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न फिर वही आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया था। टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टेहरी बांध भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। इसके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। कौन सी? केटू गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी अरावली है। और सबसे नई चोटी कौन सी है? तो सबसे नई चोटी शिवालिक है, आपको शिवालिक का नाम याद रखना है। कौन सी? शिवालिक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत चोटी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, क्या गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है।
कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, यदि आप इन्हें सही से देखते हैं तो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प होने वाली है। अगला प्रश्न है हमारा, कांडावम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? तो यह पहाड़ी केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को भौरघाट दर्रा जोड़ता है, आपको उसका नाम थालघाट दर्रा जोड़ता है। क्या? थालघाट दर्रा जोड़ता है, आपको यह याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला दर्रे का नाम थालघाट है। और कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये भौरघाट दर्रा जोड़ता है, आपको इसका नाम याद रखना है। कौन सा? भौरघाट दर्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये सारे दर्रे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है? ऊष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ऊष्ण का मतलब गर्म होता है, कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मतलब गर्म क्षेत्रीय जलवायु। भूगोल की भाषा में ऊष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये हमारा सबसे पहले जो लौटते हुए मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून पूछा गया है। तो सबसे अधिक वर्षा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है सबसे अधिक। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा भारत में मौसिनराम में होती है, या मौसिनराम में होती है, आपको याद रखना है। मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की तरह आकृति इसका मुख्य कारण है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकाल लीन वर्षा कहाँ होती है? मैंने अभी बताया था, लौटती हुई मानसून वर्षा, जब मानसून लौटता होता है शीतकाल के मौसम में, तो वहाँ तमिलनाडु में वर्षा घनाघोर वर्षा होती है, और ये शीतकालीन वर्षा होती है। ये तमिलनाडु और उड़ीसा में महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, और उससे थोड़ी सी कम तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, और आप ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें। जय हिंद।